नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हमारे साथी सतीश नारायण आर्य साहब पूछते हैं कि सर, आफ्टर कूलर और एयर ड्रायर यूनिट में क्या डिफरेंस है? तो आइए इन दोनों का डिफरेंस हम विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो अवश्य देखिए ताकि आपको इसका डिफरेंस अच्छी तरह मालूम पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएल डांगी। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इस चैनल पर आपको मिलते हैं रेलवे से रिलेटेड वीडियो, खास करके इलेक्ट्रिक लोको के बारे में वीडियो बनाता हूं और लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित भी कुछ वीडियो बनाता हूं, ताकि उन लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिलती रहे और सभी लोग अपना कार्य ठीक तरह से करते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप भी कमेंट करके अवश्य बताएगा, और आपको भी कुछ पूछना है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी बात पूछनी है जो आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। ईमेल का एड्रेस भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया मैंने। और साथियों, आपको रिवीजन करना है क्वेश्चन आंसर का तो आप खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। और भी दूसरे जो वीडियो देखने आप चैनल पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप अपने इच्छानुसार देख सकते हैं वीडियो, जो बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए। तो हमारे साथी पूछ रहे हैं कि आफ्टर कूलर और एयर ड्रायर में क्या अंतर है, दोनों क्या चीज़ है। एक्चुअल में क्या, जो दोनों मिलते जुलते नाम है तो उनको ऐसा लगता है कि आफ्टर कूलर का नाम भी कूलर है और उधर भी एयर ड्रायर, तो दोनों हवा सुखाने का ही काम करते होंगे। तो एयर ड्रायर के ऊपर मैंने एक विशेष अलग से वीडियो बनाया मस्त, वो देखने से आपको एयर ड्रायर का सारा काम मालूम पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसको आइसोलेट करते हैं और कैसे लीकेज हो जाता है उसमें, वो डिटेल में मैंने वीडियो बताया है। फिर भी उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो एयर ड्रायर क्या काम करता है कि जो हवा होती है उसको सुखाता है, सुखाने के साथ साथ हवा में कुछ नमी भी रहती है, मॉइस्चर रहता है और तेल वगैरह भी रहता है, मिट्टी के कण भी रहते हैं हवा में, वो सबको फिल्टर करके शुद्ध हवा को यानी कि प्रेशर को आगे भेजता है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जो मैकेनिकल वाल्व्स लगे हुए हैं, जैसे A9 SA9 बहुत सारे वाल्व लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, तो उन वाल्वों में जब शुद्ध हवा जाएगी तो वाल्व ठीक तरह से काम करेगा, नहीं तो उसके अंदर ये मॉइस्चर है, मिट्टी के कण हैं, तेल के कण हैं, वो सब जाके जाम हो जाएंगे, वाल्व को खराब कर देंगे, उसकी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। इसके लिए हवा को सुखा के और साफ करके दोनों काम करता है एयर ड्रायर, सुखाता भी है और हवा को मिट्टी के कण तेल के जो होते हैं वो सब साफ करता है, दोनों काम करता है। अब तो ये हो गया एयर ड्रायर का काम, ठीक है। और एयर ड्रायर जो होता है उसमें बिजली भी जाती है, उसमें एक मैग्नेट वाल लगा होता है, उसमें तीन टावर होते हैं, बारी बारी से एक एक टावर काम करता है, उसके अंदर केमिकल भरा होता है, उस केमिकल से हवा जो है वो शुद्ध बनती है और आगे जाती है। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत बड़ा यंत्र है एयर ड्रायर, ठीक है। वो अलग से एक इक्विपमेंट है, MR2 और 3 के बीच में लगा हुआ है। ज़्यादा इसके बारे में जानकारी जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर कूलर की। देखिए, हवा तो देखो सब जगह है और हमको भी ट्रेन में और लोको में हवा चाहिए वाल्वों को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जितनी हवा चाहिए, जितने प्रेशर से चाहिए, वो हवा हमारे वायुमंडल में उपलब्ध नहीं है। या यूं कह सकते हैं 1-1.5 kg के आसपास प्रेशर रहता है लगभग, परफेक्ट तो देखना पड़ेगा, लेकिन हमको चाहिए 5 kg, 6 kg, फिर 8 से 9.5 kg, इतना प्रेशर चाहिए हमको। तो इस प्रेशर को बनाने के लिए हमने लोको के अंदर कंप्रेशर लगाए हैं, ठीक है। तो कंप्रेशर क्या करता है, हवा को प्रेस करके प्रेशर बनाता है, इसलिए उसको कंप्रेशर बोलते हैं, कंप्रेस्ड करता है, दबाता है। तो दबाने से आप जानते हैं हवा गर्म होती है ना, किसी भी चीज को दबा, जैसे हाथ रगड़ो रगड़ो ऐसे, हाँ ये देखो गर्म हो गया, गर्म होता है। किसी भी चीज को आप अगर प्रेस करते हैं तो वो चीज गर्म हो जाती है, तो हवा में भी ऐसा ही, अगर आप प्रेस करोगे तो गर्म हो जाएगी। तो गर्म हवा हमको नहीं चाहिए, हमारे वाल्वों को ठंडी हवा, नॉर्मल हवा चाहिए, ठंडी का मतलब नॉर्मल हवा चाहिए। तो जैसे ही कंप्रेशर हवा बना प्रेस करता है तो पहले उसको इंटरकूलर में भेजा जाता, इंटरकूलर जो कंप्रेशर लगे होते हैं उसके ऊपर ही जो जाली लगी वो इंटरकूलर है, वहाँ हवा ठंडी होती है। तो कंप्रेशर में दो वाल्व होते हैं, एक LP होता है, एक HP होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो जब लो प्रेशर में हवा जाती है तो थोड़ी गर्म होती है, इंटरकूलर ठंडी होकर फिर हाई प्रेशर में जाती है, वहाँ से फिर आफ्टर कूलर में जाती है। तो आफ्टर कूलर भी ऐसी ट्यूब्स बनी, रेडिएटर की तरह ट्यूब्स बनी, उन ट्यूबों में से हवा जब गुजरती है और वायुमंडल की हवा से वो ट्यूब टकराती है,
वायुमंडल के, तो फिर वो हवा और भी ठंडी हो जाती है और वो हवा ठंडी होके फिर MR1 में जाती है, सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्ट से होती हुई MR1 में जाती है। तो इस प्रकार जो हवा है वो ठंडी हो जाती है और हमको ठंडी हवा ही चाहिए, गर्म हवा नहीं चाहिए। तो आफ्टर कूलर का काम जो है कंप्रेसर से निकलने वाली हवा को ठंडा करना है, जबकि एयर ड्रायर का काम बिल्कुल अलग है। एयर ड्रायर का काम मॉइस्चर और तेल के कणों को, मिट्टी के कणों को साफ करना है। आफ्टर कूलर का काम सिर्फ ठंडा करना है और वायुमंडलीय हवा से ठंडा करता है, वो खाली रेडिएटर में से गुजरता है, वायुमंडल की हवा से वो ठंडा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको आफ्टर कूलर और एयर ड्रायर का अलग अलग काम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने डीजे कंट्रोल सर्किट पूरा अच्छी तरह समझाया है, फिर भी एक व्यक्ति ने आज कमेंट किया था कि भाई वो Q100 के ऊपर C107 के पैरेलल में जो है वो HVRH का इंटरलॉक क्यों नहीं लगाया, 105 106 के पैरेलल में तो लगाया है। तो उसका भी मैंने आज शॉर्ट वीडियो बना के क्वेश्चन पूछ लिया है, कल उसका आंसर दूंगा। तो इस तरह मैं आपके सभी प्रश्नों के जैसे जैसे मौका मिलता है आंसर देता रहता हूँ। आप भी जो कमेंट करते हैं उसका भी 8-10 दिन के बाद नंबर आता है, क्योंकि जो पहले से पूछे उनको वीडियो को अपलोड करने का होता है, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सारे प्रश्नों के जवाब थोड़ा थोड़ा देता रहता हूँ, ताकि सभी का कन्फ्यूजन दूर होता रहे। ठीक है, तो आपको भी कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।